हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रेम चार्ट अकाउंटेंट। अच्छा जी दोस्तों, यूके में फर्म्स में कितनी हॉलीडेज हैं और किस तरह की हॉलीडेज हैं, छुट्टियां कब कब मिलती हैं, कहां कहां मिलती हैं, कितनी होती हैं, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। तो बिग फोर में स्पेसिफिक नहीं रखूंगा, मुझे 5-6 फर्म्स का पता है स्पेसिफिकली, लेकिन आई नो बाकी फर्म्स भी इससे डेविएट नहीं करेंगी। तो जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे KPMG, EY, PwC, Deloitte, BDO, जिनका मुझे पता है पर्सनली कि इनकी क्या लीव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। बाकी फर्म्स का भी और वो सेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लीव्स होती है किसी भी फर्म के अंदर, मैं यूके के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्री का डिफर कर सकता है और डिफर करेगा ऑफकोर्स, तो आप देख लीजिएगा, वरना मैं वीडियो बना लूँगा एक और आगे जाने से पहले कमेंट किया करें यार। यूट्यूब को आपको पता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम जस्ट पिक्स द वीडियो जहाँ पे इंगेजमेंट हो, लाइक्स हो, कमेंट्स हो, शेयर्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्लीज़ डू दैट, आई वुड रियली रियली हैप्पी। तो बैक टू टॉपिक, तो आपका जो है लीव्स, एक तो देखो नंबर वन होती है एनुअल लीव्स। आपकी एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एनुअल लीव्स है। सारी फर्म्स जो मुझे पता है टॉप फोर जो हैं, स्पेशली PwC, Deloitte, EY एंड KPMG, इनकी है 25 दिन, 25 डेज एट ऑल स्टेजेस, इतना मुझे आइडिया है। मैंने AM से लेके सीनियर मैनेजर तक देखा है, सबकी 25 दिन ही है। BDO ऑन द अदर हैंड आपकी 25 दिन से लेके 28 दिन, बेसिकली उनका जो मैनेजर तक होता है 25 दिन है, उसके आगे वो 28 दिन पर जाते हैं एनुअली। तो वहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा हैं आपके पास अगर BDO में हो। तो ये बड़ी स्टैंडर्ड है, 25 दिन ही, आप साल में कभी भी ले सकते हो। ऑफ़ कोर्स आपको अग्री करानी पड़ेगी आपके मैनेजर्स के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एक प्रोसेस है ऑफ़ कोर्स, बट आप मिल जाती हैं छुट्टियां टाइम पे अगर आपको लेनी हो। और ये वर्किंग डेज हैं 25, वीकेंड्स अलग लगते हैं, तो आप काउंट कर लेना, ठीक है। तो एक तो कोई एडोलीज। अच्छा, दूसरा सवाल आता है कि मैंने पाकिस्तान में, इंडिया में लोगों से सुना है कि कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे सिक लीव्स को कंपनीज एनुअल लीव से डिडक्ट कर लेती हैं कि यार आप सिक थे तो आपने काम नहीं किया, एनुअल लीव हो गई आपकी। तो ऐसा नहीं होता, सिक लीव्स आर सेपरेट, वो अलग होती हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप साल में 5 दिन सिक हो गए, आप साल में 10 दिन सिक हो गए, ऑफकोर्स उसकी कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड ऑन द हेल्थ। लेकिन वही है कि अगर आप 4-5 दिन से ज़्यादा सिक बोल रहे हो खुद को, तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मेडिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सिक की लिमिट नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, कोई सेंस नहीं बनता सिक की लिमिट बनाने का। तो ये है, तो ये सारी फॉर्म्स में पॉलिसी है, सिक लीव्स तो सबको मिलती हैं अगर कोई बीमार होता है, ठीक है। अब तीसरी जो लीव्स टाइप ऑफ लीव है ना, वो है आपकी कंपेशनेट लीव, या इसको एक और वर्ड बोलते हैं बेवरमेंट लीव, व्हाटएवर इट इज। सो उसका मतलब ये होता है कि आपका कोई नियर बाय इज डाइड, या कोई क्रिटिकल इलनेस है, कुछ इस तरह की, इसमें आपको इसका कंपेशनेट वर्ड का मतलब है कि यू हैव टू गो फॉर सम कंपेशनेट रीज़न, कि आपको कोई इशू है, कोई अर्जेंट इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी एक्सेट्रा। सो उसकी है यूजली वो 5 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक, डिपेंड ऑन द फर्म, डिपेंड ऑन टीम, बट आपको एक मिल जाती है टू डू ए जनरल रीज़न कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। दिस इज़ वेरी मच सीरियस रीज़न, ऐसा नहीं है कि मैं घर पर बुखार है मुझे, या मेरी फैमिली किसी को बुखार हो गया तो मैं नहीं आऊँगा, नो दिस इज़ नॉट फॉर दैट। ये उस प्रॉपर रीज़न के लिए, जहाँ पे लेट्स से किसी की डेथ हुई है या कोई क्रिटिकली ऑपरेशन चल रहे हैं एक्सेट्रा, तो आपको जाने देते हैं उस टाइम पे। तो ये थी तीसरी टाइप की लीव जो कि आपको मिलती है। नंबर फोर, काफ़ी फर्म्स में तो नहीं है, लेकिन वन ऑफ द फर्म्स या कपल ऑफ फर्म्स आपको रीलोकेशन लीव देती हैं। बेसिकली जब आप कंट्रीज मूव करते हो, उनकी ऑफिस जाते हो, तो आपको 1 दिन देते हैं एक्स्ट्रा, तो वो रीलोकेशन लीव है, नथिंग मोर। आई थिंक डिलॉयट देती है जितना मुझे आइडिया है, बाकी फर्म्स का नहीं पता। नंबर 5, बर्थडे लीव। तो देर आर फर्म्स जो आपको बर्थडे के दिन छुट्टी देती हैं, अगर आप छुट्टी नहीं लेना चाहो तो वो आप उसको डेफर करके किसी और दिन ले लो, लेकिन ऐसी फर्म्स भी हैं। आई थिंक KPMG डज, मे बी EY डज दैट, और KPMG डज दैट हियर UK, Deloitte डजंट डू दैट। सो ये हो गए 5 तरह के लीव्स। अच्छा, छठी जो है ना, वो ये है कि यहाँ की जो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंस डे है, या हमारे बैंक हॉलीडेज, हमारे जो हॉलीडेज होती है साल में, तो यूके में उनको पब्लिक हॉलीडेज बोला जाता है। साल में 6 से 7, 5 से 6 पब्लिक हॉलीडेज है टोटल, तो वो एक डिफाइंड डेज पे होती है कि यार चलो 4 अप्रैल को छुट्टी है। लेकिन फर्म्स ने आजकल ये पॉलिसी निकाली हुई है कि वो आप उन लीव्स को किसी और दिन ले लो बेसिकली, तो वो भी आप अपनी जो भी है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर उसको स्केड्यूल कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। उसके बाद नंबर 7 जो है ना, नंबर 7 ये है कि
अनपेड लीव्स की बात कर लेते हैं पहले। देखो पेड लीव्स तो आपकी हो गए 5 हफ्ते हैं जो कि 25 डेज हो गए। अच्छा अनपेड लीव्स ऑफकोर्स पेमेंट नहीं मिलेगी आपको, लेकिन कभी कभार होता है कि यार 1-2 महीने की छुट्टी चाहिए मुझे ड्यू टू सम रीज़न, तो वो भी आप कर सकते हो हमसे कि यार पार्टनर से बात कर ली कि भाई ये सी इशू है मेरा एंड मुझे छुट्टी चाहिए। नंबर 7 जो है आपका वो होती है, नंबर 8 हो गया आई गेस करियर ब्रेक्स। तो लोग करियर ब्रेक भी लेते हैं, ऑफकोर्स अनपेड होते हैं, कपल ऑफ मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ऐसा नहीं कि सबको मिलते हैं, लेकिन वही अगर आपने कुछ साल काम किया है एंड देन आपको वही ब्रेक चाहिए तो आपको करियर ब्रेक भी मिल सकता है। अगेन पार्टनर से बात करनी पड़ेगी एक्सेट्रा, लेकिन ये भी ऑप्शन है। सो कुल मिला के एंड लास्ट पॉइंट कि भाई वीकेंड छुट्टी होती है, काम आता है ऑडिट का तो ऑफकोर्स, बट यू नीड दिस हॉलीडे। तो या दिस इज प्रीटी मच ऑल, ये वाली छुट्टियाँ मिलती हैं, ज़्यादा नहीं हैं, ओके हैं, बट स्टिल वर्दी। इसको एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूँ मैं, अगेंस्ट यूएस पे इतनी नहीं होती, यूके में स्टिल बेटर, मिडल ईस्ट में इससे भी ज़्यादा है आई एम श्योर। तो या दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।